तस्वीरें हैं अंबाला शहर की, जरा गौर से देखिए, ये सड़कें हैं या तालाब? जी हाँ, ये अंबाला शहर की वो बदहाल तस्वीर है जिसे देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तालाब सी दिखती इस कपड़ा मार्केट से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों व गलियों में पानी भरा तो लोगों के घरों व दुकानों में भी पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजुब की बात यह रही कि इतना जल भराव होने के बाद भी निगम ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए, जिससे लोग काफी खफा दिखाई दिए। सन 85 में मकान बनाया था मैं, जबकि यही हाल है बारिशों में, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पानी खड़ी है, कार भी डूब रही है, सारे बिस्तरे क्या और क्या सोफे सब उसके ऊपर इंटों पे रखे हुए हैं। प्रशासन आके अपने फोटो खिंचवा के ले जाता है, कार्रवाई को करता नहीं। एक दो दिन के ये पानी उतर जाएगा, कोई नहीं आएगा बाद में, उसके बाद छुट्टी। सुबह से हो रही बारिश के कारण 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया, जिसके कारण यह पानी घरों व दुकानों में घुस गया है। लोग काफी मशक्कत से पानी निकालने में जुटे हुए हैं और लोगों ने घरों में अपना फर्नीचर तक समेट लिया है। आलम यह है कि जल स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी घुटनों से ऊपर तक है और पूरे शहर का यही आलम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीते 15 सालों में अंबाला नगर निगम में बरसाती पानी को लेकर करोड़ों रुपए आए, तो आखिर निगम में वो पैसे लगाए तो कहाँ लगाए? समस्या ये है सर, किसी बच्चे ने स्कूल जाना है, दुकान जाना है, किसी ने नौकरी पे जाना है, कहीं जाना है, यहाँ पे प्रशासन का कोई नहीं प्रबंध है। सारी नाले भरे पड़े हैं, गंदा नाला, कीड़ियाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाले नहीं, कोई कुछ नहीं है। जिसके पास जाओ वो आगे से आगे कहते हैं करवाएंगे ठीक करवाएंगे। ये देखो ये हमारी दुकान है, सारी डूबी पड़ी है, अंदर पानी हो पड़ा, नुकसान हो पड़ा, इसमें प्रशासन कुछ नहीं करता। हम कह के थक गए हैं, कोई नाले इस बार सारे थड़ों के नीचे गंद भरा पड़ा है, कोई यहाँ सफाई करने वाला नहीं है, कोई यहाँ कहने सुनने वाला नहीं है। जब वोटें होती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में सब फूस नजर आता है। ये देख लीजिए आप, कोई आ जा नहीं सकता, कोई छोटे बच्चे को स्कूल जाना है लेके कोई ले जा नहीं सकता, बुरा हाल है, कोई मतलब कि सुनने देखने वाला नहीं है, गोल प्रशासन करने वाला नहीं है। शुरू से ही अंबाला नगर निगम पर सवालिया निशान उठते आए हैं और इस बार भी बरसाती पानी ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है कि आखिर प्रशासन ने इस बरसाती पानी से निपटने के लिए समय रहते ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए।